गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पे पित्ताशय की थैली में स्टोन होने से पथरी होने से किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक तरीके से क्लीनिंग थेरेपी से बड़े आराम से निकल जाती है। और ये जो हम यूज़ करते हैं तीन चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये जूस है और ये एप्सम सॉल्ट जो आप सामने देख रहे हैं। अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर ये कह रहा है कि ये सब बकवास है तो मेरा करबद्ध निवेदन है उस डॉक्टर से कि एक बार बकवास कहने के पहले वो खुद इस पर प्रयोग करके देख ले। और मेरी जान पहचान में मेरे ख्याल से 50-60 एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इसको किया हुआ है और वो सबके सब इस रिजल्ट से बहुत खुश हैं। ये है डॉक्टर पीयूष सक्सेना। इन्होंने लिवर क्लींजिंग की ऐसी नेचुरल तकनीक इजाद की है जिससे फैटी लिवर ठीक हो जाता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन निकल जाते हैं और लिवर की दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और खास बात यह है कि ये तकनीक बिल्कुल नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, ये है ऑलिव ऑयल, ये है फ्रूट जूस और ये है मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट। इन तीनों के प्रयोग से पित्त की थैली की पथरियां निकल जाती हैं। ये अनुभव है डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का और हजारों लोगों की पित्त की थैली की पथरियां यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकलवा चुके हैं और ऑपरेशन से पित्त की थैली निकलने से बचा चुके हैं, ये कहना है डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का। डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी रिलायंस में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कॉरपोरेट अफेयर के और निशुल्क तरीके से लिवर डिटॉक्सिफाई करते हुए, लिवर क्लेंजिंग करते हुए पित्त की थैली बचा रहे हैं। न केवल पित्त की थैली की पथरियां निकलवाते हैं बल्कि फैटी लीवर हो या लीवर में और कोई दिक्कत हो वो भी ठीक हो जाती है इस विधि से। ये विधि क्या है, लीवर डिटॉक्सिफाई कैसे होता है, लीवर क्लींजिंग कैसे करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने ये तीन चीजें इजाद की हैं यानी कि कॉम्बिनेशन बनाया है जो पित्त की थैली की पथरी गॉल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव कर देते हैं। क्या क्या चीजें और कैसे रिमूव करते हैं, जरा दर्शकों को बताइए। गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पे पित्ताशय की थैली में स्टोन होने से पथरी होने से किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक तरीके से क्लीनिंग थेरेपी से बड़े आराम से निकल जाती है। और ये जो हम यूज करते हैं तीन चीजें हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये जूस है और ये एप्सम सॉल्ट जो आप सामने देख रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लिवर क्लींजिंग कहलाती है जिसमें गॉल ब्लैडर साथ में क्लींज होता है। ये शाम को की जाती है, शुरू होती है, अगले दिन सुबह तक जारी रहती है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पेनलेस है, किसी तरह का दर्द इसमें नहीं होता। थोड़ा सा बताऊं मैं कि इसमें एप्सम सॉल्ट की जो पैकेट आप देख रहे हैं ये 20-20 ग्राम के पैकेट होते हैं। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा मैं अलग से भी करूंगा। इसके 250 ml की शीशी ले लें, लेकिन शीशी में बिल्कुल ध्यान रखें कि ये ओरिजिनल पैकिंग हो और रीपैक ना हो। रीपैक में बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। ओरिजिनल पैकिंग जो इटली और स्पेन की होती है वो लेंगे तो भरपूर असर आएगा और एक बार में ही आप पथरियों से मुक्ति पा लेंगे। इसके साथ हम ये फलों का जूस इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, संतरा, मौसमी। सुबह से हल्का खाना खाएं, शाम को 6 बजे एप्सम सॉल्ट की पहली डोसेज लें, शाम को 8 बजे एप्सम सॉल्ट की दूसरी डोसेज लें, ये पानी में घोल के ली जानी है। रात को 10 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 175 ml इक्वल क्वांटिटी और जूस में मिला के ले लें और सो जाएं। सुबह 6 बजे एप्सम सॉल्ट की तीसरी डोसेज लें, सेम 20 ग्राम की। उसके बाद सुबह 8 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो इसमें 75 ml बचा हुआ है उसको सेम क्वांटिटी और जूस के साथ मिला के ले लें। सुबह 10 बजे आखिरी डोसेज एप्सम सॉल्ट की ले लें, मैग्नीशियम सल्फेट की। डायरिया या लूज मोशन आपको पहले दिन से ही होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो पहले दिन डायरिया होगा वो नॉर्मल येलो कलर का होगा। रात में नॉर्मली डायरिया नहीं होता, रात ठीक से गुजर जाती है। अगले दिन सुबह जो डायरिया होगा आप देख के हैरान रह जाएंगे कि उसका रंग हरा है और उसमें पथरियां निकल रही हैं। इनको पथरियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका नॉमेनक्लेचर एलोपैथी वालों ने किया हुआ है कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं। ये पथरीले नहीं होते हैं, ये चर्बी के बने होते हैं और चर्बी भी कौन सी, एबनॉर्मल फैट जिसको गलाने का और कोई तरीका नहीं है। और ये चर्बी शरीर में शिथिलता के कई लक्षण देती है। लिवर क्लींस और गॉल ब्लैडर क्लींस की इस प्रक्रिया में जो एक साथी होती है, जब शरीर से ये पथरियां निकल जाती हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स फ्री हो जाती है, तो शरीर को एक अद्भुत नई एनर्जी का एहसास होता है और लगता है कि हम उस हालत में पहुंच गए हैं जहां हम करीब 5 साल पहले थे। मैं बताऊं आपको, मैंने ये सारे के सारे प्रयोग अपने ऊपर, अपने फादर, मदर, वाइफ
बेटे और बेटी के ऊपर किए हुए। कोई भी चीज, कोई भी प्रयोग दर्शकों तक पहुंचाने के पहले मैं अपने ऊपर खुद करता हूं उसको, और तमाम तरह से उसके आर्गुमेंट सोच के कि क्या कैसे हो सकता है, रिजल्ट क्या होंगे, फिर मैं आपके सामने तक पहुंचाता हूं। और जितने लोगों ने ये किया है वो सब के सब कन्फर्म करते हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन थेरेपी है और बहुत ही बेहतरीन इलाज है, और मेरे लिए उनका कन्फर्म करना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो सही ओपिनियन है और ये उन पे बेस्ड नहीं है कि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये अनुभव पे बेस्ड है और रिजल्ट पे बेस्ड। ये डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो लिवर क्लिंजिंग से पित्त की थैली की पथरी निकल जाती है, जो पूरी प्रक्रिया आपने बताई है, उसके कारण कैसे निकलती है, क्या एक्शन होता है शरीर में, वो जरा दर्शकों को बताइए। इसमें मेन ट्रीटमेंट जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल करता है। एप्सम सॉल्ट कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल स्टमक से जब इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो उस प्रोसेस में जब ये एब्जॉर्प्शन के लिए लिवर और गॉलब्लैडर की तरफ जाता है, तब ये किसी प्रोसेस से गॉलब्लैडर तक इसका पार्ट पहुंचता है और वहां से ये स्टोन्स को प्रेशर देता है, जिससे वो स्टोन्स वहां से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। कि जिसने जिसने इस प्रयोग को किया है उसको करने के बाद अच्छा लगा है, और करने के बाद उसने कई और लोगों को कराया है और बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया है। एप्सम सॉल्ट की ये डोसेज हैवी है, 20 ग्राम एप्सम सॉल्ट शरीर को भारी लगता है और शरीर उसको फॉरेन बॉडी की ट्रीट करता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बाइल डक्ट को डायलेट करता है, फुला देता है बाइल डक्ट को। कई बार प्रश्न आता है 30 mm की, 32 mm की, 34 mm की पथरी कैसे निकलेगी, बाइल डक्ट तो छोटी सी होती है। पहली चीज तो ये कि जब 34 mm की पथरी की बात होती है तो ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी हो सकती है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये तो उसकी लंबाई है, पथरी तो नेचुरली चौड़ाई में निकलेगी ना, और चौड़ाई तो उसकी काफ़ी कम होती है, तो एक तो पथरी की चौड़ाई कम होती है और लंबी दिखा के आपके मन में डर बिठाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, एप्सम सॉल्ट के जाने से वो डक्ट फूल जाती है, तो जिसकी साइज 4 mm 6 mm की होती है वो बढ़ जाती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, और वो उसके फूलने से और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के प्रेशर से ये पथरियाँ गॉलब्लैडर से निकल के, एक्चुअली पथरियाँ गॉलब्लैडर, लिवर, बाइल डक्ट और गॉलब्लैडर के जॉइंट चारों जगह पे होती है, वहां से निकल के ये छोटी आंत में आ जाती हैं और उसके बाद डायरिया के जरिए निकल जाती हैं। तो ये तीन चीजें, एप्सम सॉल्ट हो गया, ऑलिव ऑयल है और जूस है सिट्रस फ्रूट का कोई भी जूस, ये तीनों चीजें लेने से पथरी जो होती है वो निकल जाती है। तो अभी तक के अनुभव क्या है, ज्यादातर लोगों की निकल गई है या सबकी निकल जाती है या कुछ रह जाती है? नहीं, अनुभव तो इसमें बहुत ही अच्छे हैं, ये तो निकल ही जाएगी, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, जो भी ये करेगा उसके हर हालत में पथरियाँ निकल जाती हैं, अगले दिन सुबह निकलती हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ओरिजिनल पैकिंग वाला लीजिएगा, जो रीपैक्ड ना हो, क्योंकि यहाँ के रीपैक्ड वाले जो हैं वो पर्याप्त अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं बात करता हूँ ओरिजिनल पैकिंग वाला लीजिए, बाकी पथरियाँ बिल्कुल निकल जाएंगी, इसमें कुछ भी समस्या नहीं है। तो इसकी आपने जो शुरुआत की, ये जो फॉर्मूला इजाद किया है, ये कैसे किया, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका कोई मान्यता देते नहीं कि कैसे निकल सकते हैं इससे? देखिए, वो थेरेपी अलग है, ये थेरेपी अलग है, आयुर्वेदा अलग है, होम्योपैथी अलग है, कोई भी पैथी वाला, खासतौर से मॉडर्न मेडिसिन वाले किसी दूसरी पैथी को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर ये कह रहा है कि ये सब बकवास है, तो मेरा करबद्ध निवेदन है उस डॉक्टर से कि एक बार बकवास कहने के पहले वो खुद इस पर प्रयोग करके देख ले। और मेरी जान पहचान में मेरे ख्याल से 50-60 एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इसको किया हुआ है और वो सब के सब इस रिजल्ट से बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं इसको प्रमोट करना, लेकिन अपने अपने जो बंधन होते हैं उन सीमाओं के चलते वो इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाते हैं। ये थेरेपी अलग है, ये ट्रीटमेंट अलग है, और इसके रिजल्ट्स अलग हैं, और रिजल्ट्स गारंटीड हैं। मैं कहता हूँ, एक बार लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि जब शरीर से गंदी वाली चर्बी निकल जाती है तो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट वाली है वहां तक जो ब्लॉकेजेस पहुंचे हैं वो तो चर्बी के ही होते हैं ना। जब शरीर से चर्बी का एक लेवल निकल गया है तब ब्लड वहां से एक्स्ट्रा चर्बी खींच के लेके आता है, और खींच के लेने के बाद शरीर में ताजगी महसूस होती है, और उस ताजगी के चलते मैं ये एश्योर करता हूँ कि अगले 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि चर्बी का जमावड़ा होने में बहुत बहुत समय लगता है। जिन्होंने पित्त की थैली ही निकलवा दी हो उनको भी ये करना चाहिए, क्या उनके लिए लाभकारी है? प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है कि जिनकी पित्त की थैली निकल गई है उनके पित्ताशय में पथरी होने का चांस कैसे हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में, सैकड़ों में होंगे,
जिनकी थैली निकल चुकी थी सर्जरी से, उनको कहा कि आप भी ये करिए। और मजे की बात यह है कि उनके शरीर से जब डायरिया में स्टोन्स निकले तो उनकी क्वांटिटी उतनी ही थी। मेरा यह मानना है कि पथरियां खाली पित्ताशय में नहीं होती हैं, पित्ताशय के अलावा लिवर में, बाइल डक्ट में और जहां पे पित्ताशय जुड़ा होता है वहां पर भी होती हैं। तो जिनके पित्ताशय निकल चुके हैं वो भी इसको करें, और इसलिए कि ये क्लींस करने के बाद ऊर्जा के एक नए लेवल का एहसास होता है, बहुत ताजगी आती है और तमाम बीमारियों में लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, कई लोगों को शंका है कि ये करने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं जो पथरी है वो कहीं पेट में या बाइल डक्ट में फंस तो नहीं जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्या ये सेफ है? देखिए, रही बात फंसने की, आज तक किसी की पथरी फंसी नहीं। कारण बहुत स्पष्ट है, ये पथरियां चर्बी की बनी होती हैं। जब आपके डायरिया में निकले आप इनको छू के देखिएगा, पकड़ के देखिएगा, चर्बी की बॉल को, गेंद को हाथ में पकड़ पाना संभव ही नहीं है, वो तुरंत फिसल के निकल जाती है। कैसे अटकेगी ये? कभी भी नहीं अटकती है, ये अटकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसकी कोई भी साइज हो ये फटाक से फिसल के बाहर आ जाती है, और जब फिसल के तुरंत बाहर आ जाएगी तो ये अटकेगी कहाँ से? इसमें किसी भी तरह का जो भय है ये उन लोगों के मन में है जो कोई इस तरह के नए प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज ये प्रयोग तो नया भी नहीं है, लाखों लोग कर चुके हैं, इसको कर रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी करने वाले मिल जाएंगे इसको। मेरे भरोसे पर करके देखिए, आप देखिए आप कितना फायदा होता है। तो जैसे आपने कहा कि आपके भरोसे पे लिवर क्लींजिंग करेंगे तो फायदा होगा, तो क्या पित्त की थैली से पथरी निकलने के अलावा अगर लिवर में कोई और दिक्कत हो तो उसमें भी लाभकारी है लिवर क्लींजिंग? देखिए, लिवर बॉडी का मेन ऑर्गन है और वेट के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे स्किन है, सेकंड पे लिवर है। ये 500 तरह के काम करता है, ये बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। तमाम तरह के एंजाइम्स, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी कार्रवाई लिवर में होती है। अगर हमारा लिवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो आप सोचते हैं कि तमाम तरह की कमजोरी, थकान, तकलीफें ये सब आ रही होंगी। जैसे ही लिवर क्लींस होता है, लिवर की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ये सब इम्प्रूव हो जाता है, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, कई तरह की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। इनफैक्ट सही तो ये है कि आप बार बार साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप सोचेंगे आपकी एक चीज ठीक होगी, आपकी एक की जगह 8 चीजें ठीक हो जाएंगी। बाय द वे, एलर्जीज के लिए या तमाम इनक्योरेबल डिजीजेस के लिए जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है, उन सब के ठीक होने की शुरुआत भी लिवर क्लीन से हो जाती है, क्योंकि जब जहर निकलेगा बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे आएगा तो बॉडी ठीक होती चली जाएगी। तो इसे दूसरे शब्दों में कहें तो लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है इनसे? लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट जी, उसी को लीवर क्लींस का नाम दिया गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है दर्शकों का कि जिस दिन लीवर क्लींजिंग करनी हो उस दिन क्या खाना और कब से पहले खाना है? मैंने जो बात की हल्का खाने की, उसका मतलब ये है तेल मसाले ना लें, मिल्क प्रोडक्ट्स ना लें, और ये खाली एक ही दिन की तो बात है। और जो भी खाना है, फलाहार करना है, हरी सब्जियां लेनी है, 2 बजे तक ले लें, 2 बजे के बाद ना खाएं। कारण क्या है ये भी समझना जरूरी है। अगर हम मसालेदार खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, और जब ये बाइल निकलता है तो वहां पे बाइल कम हो जाता है। हमको गॉल ब्लैडर में बाइल का स्टोरेज चाहिए। अगर बाइल स्टोर रहेगा वहां पे तो वो स्टोन्स को ज्यादा प्रेशर से निकाल के फेंकेगा, और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक लिवर क्लीन में ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स बाहर आ जाए। और मैं ये भी बता दूं कि जितना आप कर सकते हैं करें, अगर कोई कमी बेसी रह जाती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, स्टोन्स तब भी निकलेंगे और क्लीन आपका सक्सेसफुल होगा ही होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आपने कहा कि पहले हल्का खाना खाना है, अब बात जो प्रक्रिया शुरू करते हैं शाम को 6 बजे और अगले दिन 10 बजे तक चलते हैं, उसके बाद खाना क्या खाना, कब खाना है? हाँ, पहली चीज तो ये कि 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, लेकिन कब तक? अगले दिन 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे तक हमारी ये 6 डोसेज आपका अंदर ही अंदर काम कर रही होंगी, और उस काम करने की प्रक्रिया में आपके शरीर से ये जहर निकाला जा रहा है। 11 बजे के बाद शुरुआत आप खिचड़ी या बिल्कुल सादा खाना जैसे मैंने बताया उससे करें, और यही खाना आप 2-4-6 घंटे और चालू रखें, फिर शाम तक आपकी हालत इस लायक हो जाएगी कि आप कुछ भी खा सकते हैं, फिर बंधन नहीं, और आपको एहसास होने लगेगा कि आप बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और तीसरे दिन की सुबह आपके लिए डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आप एक रात सो भी चुके होंगे और सोने के साथ बॉडी स्टेबलाइज भी कर चुकी होगी। डॉक्टर साहब, कई लोगों का सवाल आता है कि क्या ये लिवर क्लींस जो करते हैं ये घर पर खुद कर सकते हैं या डॉक्टर की ही निगरानी में होना चाहिए, या कैसे करें? देखिए, जो मैंने तरीका बताया इसके हिसाब से आप इसको अपने घर पे कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो ये मेरी किताब है, इसको पढ़ के आप मदद ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई शंका रह जाती है कि भाई सुपरविजन में ही करना है, तो हमारे कुछ वॉलंटियर लोग नॉमिनल पेमेंट लेके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और उन कैंप में जाके आप तमाम क्लींस का लाभ उठा सकते हैं। वो कैंप्स अक्सर 3 रात और 4 दिन के होते हैं,
और मेरे ख्याल से महीने में एक या दो तो लग जाते हैं, कोई दिल्ली के आसपास कोई मुंबई के आसपास, इस तरह से सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो वहां पर जाकर लिवर क्लींस कर सकते हैं, अपने पित्त की थैली की पथरी निकलवा सकते हैं। जी, हमने कुछ समय पहले लिवर क्लींजिंग के बारे में डॉक्टर इंद्र बग्गा का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। डॉक्टर इंद्र बग्गा ने लिवर क्लींजिंग की जो तकनीक बताई थी उस तकनीक को इजाद किया है डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने। लिवर क्लींजिंग को डिटेल में समझने के लिए आप डॉक्टर इंद्र बग्गा का पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने बताया कि केवल आप ऑलिव ऑयल, एप्सम सॉल्ट और फ्रूट जूस को मिलाकर जो लिवर क्लींज है ये कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, और इससे न केवल पित्त की थैली की पथरियां निकलेंगी बल्कि लिवर में भी जो पथरी होती है वो भी निकलेंगी। फैटी लिवर को ठीक करने में भी लाभ मिलेगा, उसमें सुविधा होगी। और ज्यादा जानकारी अगर इसकी लेनी है तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि यदि किसी को पित्त की थैली में पथरी है या लिवर की कोई समस्या है या वैसे लिवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो फिर ये नेचुरल थेरेपी ले सकते हैं लिवर क्लींस की। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।